हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्चून्स एजुकेशन। आई एम गुंजन मल्होत्रा। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ओवरसीज़ एजुकेशन से रिलेटेड आजकल बहुत ही ज़्यादा अपडेट्स आ रहे हैं, तरह तरह की न्यूज़ आती हैं इंडस्ट्री में, जो आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप लोगों के साथ भी कुछ मिस हैपनिंग्स हो सकती है, जैसा कि उन स्टूडेंट्स के साथ हुई जो कैनेडा गए एंड उनको फेक डॉक्यूमेंटेशन के चलते वापस आना पड़ा, बिकॉज उनको सही गाइडेंस नहीं मिली। अगर आपको भी सही गाइडेंस चाहिए, सही मेंटरशिप चाहिए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड रेगुलरली हमारी वीडियोस को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, ताकि कोई भी आपको मिसगाइड ना कर सके। जैसा आप लोग सब जानते होंगे कि यूके गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है मैच्योर स्टूडेंट्स के लिए जो कि मैरिड होते हैं एंड पीजी लेवल पे अपने स्पाउस को या डिपेंडेंट्स को अपने साथ एजुकेशन वीज़ा पर जब वो जाते हैं तो लेके जाते हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन निकाला है। तो नोटिफिकेशन कुछ ऐसा है कि सितंबर इंटेक में जो भी स्टूडेंट्स जाएंगे वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ में ले जा सकते हैं या जाने के कुछ टाइम के बाद वो बुला सकते हैं ड्यूरिंग देयर स्टडीज़। वेयर एज सितंबर इंटेक के बाद वाले जितने इंटेक्स आने वाले हैं नियर फ्यूचर में, उसमें ये डिपेंडेंट वीज़ा जो लगता था वो नहीं लगेगा, इट विल नॉट बी अलाउड। एंड ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। पर्टिकुलरली ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका कनाडा का और लेट्स से ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं आता था, तो वो यूके को टारगेट करते थे एंड प्रोफाइल बहुत से अच्छी प्रोफाइल्स भी थी, जेन्युइन रीजन से भी जिनके वीज़ाज नहीं आते थे वो लोग भी जाते थे, बट कुछ जो बेकार प्रोफाइल्स होती हैं जो फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे या फेक जो मैरिजेस होती हैं उसके बेसिस पे डिपेंडेंट्स को साथ में ले जाते थे, तो उसके चलते यूके में पॉपुलेशन और जो बेकार क्राउड है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई कि यूके गवर्नमेंट को जब पता चला कि इस तरह की जो लूप होल है उसमें उसका एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, पर्टिकुलरली जो एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इसमें जाते हैं, आई वोंट टेक द नेम ऑफ द लोकेशन, तो इस चलते यूके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि डिपेंडेंट वीज़ास का जो स्कीम था उसको नेक्स्ट इनटेक ऑनवर्ड्स बंद कर दिया जाएगा। सितंबर इनटेक के बाद अगर आपको कोई भी कहता है कि आप चले जाओ सितंबर इनटेक के बाद वाले इनटेक में हम लोग डिपेंडेंट वीज़ा करा देंगे, आँख बंद करके ट्रस्ट मत करिएगा। आउटराइटली आपको हम लोग ये बता रहे हैं कि अलाउड नहीं होगा, डिपेंडेंट वीज़ा नहीं लगेगा। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग चाहते हैं कि आप तक जेन्युइन से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपको कभी भी कोई मिसगाइड ना कर सके। अगर आप भी हम लोगों से कनेक्टेड होना चाहते हैं और हम लोगों की सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं, तो काइंडली आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम लोगों को दे सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जो लिंक हैं, उनके थ्रू हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग।